दोस्तों, चाहे आप लिटिगेशन प्रैक्टिस करें या जुडिशरी की तैयारी करें या सिर्फ क्लास लें या किसी की भी तैयारी करें, लिमिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट, मतलब इट्स एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ योर एंटायर जर्नी. इट्स द प्रोसीजरल लॉ एंड इट हैज़ टू बी हैंडमेडन ऑफ जस्टिस, लेकिन इसको समझना पड़ता है. कहीं कहीं पे लिमिटेशन से ही गेम बदल जाते हैं. तो आइए हम ये सीरीज शुरू करते हैं. एंड वी स्टार्ट विद दिस इंग्लिश केस, जो कि बताएगा कि लिमिटेशन का कॉज ऑफ एक्शन का राइट कब एक्यू होता है. तो दिस इज आरबी पॉलिसीज एट लॉयड्स वर्सेस बटलर. इट्स एन इंग्लिश केस ऑफ 1949, प्रिवी काउंसिल का. और इसके फैक्ट्स ये थे कि इसमें जो प्लेंटिफ है उसकी कार चोरी हो गई थी. 7 साल बाद उसको एक कार डिफेंडेंट के यहाँ मिली और उसने उसको सू किया. अब पहली बात तो आपके मन में ये समझना चाहिए कि चोरी हमारे यहाँ कोई टॉर्ट नहीं है, सू कैसे कर सकते हो. तो थेफ्ट का हमने ये देखा कि हर चीज का काउंटर पार्ट होता है. जैसे अगर असॉल्ट क्राइम है तो उसका एक टॉर्ट होगा, न्यूसेंस क्राइम है तो एक टॉर्ट होगा, इसी तरह नेग्लिजेंस. तो अगर थेफ्ट कोई क्राइम है तो उसका करस्पॉन्डिंग टॉर्ट कन्वर्जन होता है. इसका उसमें भी सेम चीज होती है कि उसमें चोरी हो गई होती है. तो उसने सू किया था. तो डिफेंडेंट ने, अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो इसमें इशू मेन ये था कि किस पॉइंट पर कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ. अगर कॉज ऑफ एक्शन उसी समय अक्रू हो गया 1940 में जब चोरी हुई थी, तब तो 7 साल हो गए हैं, तब टाइम बार्ड हो जाएगा सूट. लेकिन जब ये डिस्कवर हुआ तब अगर कॉज ऑफ एक्शन अक्रू होगा, तब तो बात दूसरी होगी. तो यही कंटेंशन थे उनके. एक कह रहा है कि 1940 में, दूसरा बोल रहा है कि 1940 में क्यों, क्योंकि अब तो ये इनोसेंट परचेजर, अगर हम उस मानेंगे जब डिस्कवरी हुआ होगा तब तो इनोसेंट परचेजर बाद में कभी कोई खरीदा होगा पैसे देकर, उसकी आप उससे आप कार ले लोगे. तो इस केस में कोर्ट ने यही, कोर्ट रिफर्स टू मतलब रैशनल, व्हाट इज द रैशनल ऑफ लिमिटेशन एक्ट, पर्पस क्या है. तो इट्स टू प्रिवेंट इनजस्टिस. क्यों? क्योंकि जो स्टेल क्लेम, जो पुराने पुराने क्लेम को लाएंगे तो उससे जस्टिस नहीं तो क्रुएल्टी होती है. क्यों क्रुएल्टी क्यों होगी? कोई इनोसेंट आदमी ने समझा कि हाँ भाई, मतलब हमें क्या होते हैं, इनोसेंट परचेजर विदाउट नोटिस. तो हमने नोटिस लेकर देखा कि नहीं भाई, इसके और कोई चार्जेस नहीं है, हमने खरीद लिया. फिर बाद में पता चला कि नहीं यार, जिससे हमने खरीदा वो खुद चोरी किया था. तो अगर इस बात को बहुत साल हो गए हैं, इतने सारे लोग बीच में इंटरमिटेंट चेंज आ जाएंगे, कोई डिस्कवरी नहीं कर पाएगा. और दूसरी बात, लिमिटेशन का क्या पर्पज है? देर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन. अगर कोई टाइमलाइन नहीं रहेगा तब तो चलते ही रहेंगी चीजें, अपील पे अपील. तो इसीलिए कोर्ट यहाँ पे, और कोर्ट उसके बाद ये कह रहा है कि सेक्शन 2, और ये वहां पे इंग्लैंड का लॉ है, इंग्लिश लॉ है, 1939 एक्ट लिमिटेशन, उसमें लिखा गया है कि द कॉज ऑफ एक्शन कैन नॉट अक्रू अनलेस देयर बी अ पर्सन इन एग्जिस्टेंस केपेबल ऑफ सुइंग एन अदर पर्सन इन एग्जिस्टेंस हु कैन बी सूड. तो अब कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई बंदा मिल नहीं पा रहा है, नॉट ट्रेसिएबल है, क्या इसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है? तो इससे हम नहीं कह सकते हैं भाई कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं अक्रू होना चाहिए. और इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर हम अपने लिमिटेशन एक्ट में देखेंगे तो सेक्शन 2E ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1961 में डिफेंडेंट को कहा गया है कि एनी पर्सन हु और थ्रू हु और डिफेंडेंट डिराइव्स हिज लाइबिलिटी टू बी सूड. यहाँ पे भी टू बी सूड वाली बात आई. अगर प्लेंटिव का डेफिनेशन देखेंगे तो वही आएगी, हु कैन सू. तो इसलिए कहीं एग्जिस्टेंस, ऑल्दो यहाँ पे वर्ड एग्जिस्टेंस हमारे यहाँ यूज नहीं हुआ है, बट वही बात है कि एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन वो ट्रेसिएबल हो. उसके बाद एक रिफर करता है सेक्शन 26 ऑफ उनके लिमिटेशन एक्ट में. कहा जाता है कि अगर कोई चीज फ्रॉड से हुआ है तो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल नॉट बिगिन टू रन अनलेस द प्लेंटिफ हैज डिस्कवर्ड या अपने रीजनेबली डिस्कवर कर सकता था विद ड्यू डिलीजेंस द फ्रॉड. एंड द करस्पॉन्डिंग सेक्शन इन आवर लिमिटेशन एक्ट इज सेक्शन 17. तो कोर्ट ये कहता है कि इसका ये नहीं कह रहा कि कॉज ऑफ एक्शन तभी अक्रू होगा जब फ्रॉड डिस्कवर हुआ. कह रहा है कि जब तक फ्रॉड डिस्कवर नहीं हुआ तब तक कॉज ऑफ एक्शन तो अक्रू हो गया है, लेकिन उसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन नहीं हो रहा है. तो मतलब उसका जो प्रिस्क्राइब पीरियड, उसमें से हटा लेना होता है. एंड दिस इज द ओनली सच सेक्शन जो कि ऐसी बातें कर रहा है. और इसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि जब वो डिस्कवर हो जाए बंदा तभी कॉज ऑफ एक्शन, तब तक के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं रन करेगा. तो इसलिए वी कैन नॉट रीड वर्ड्स इन टू, वी कैन नॉट री राइट द स्टैट्यूट. और इसलिए ये कहा गया कि देयर फोर कॉज ऑफ एक्शन तभी अक्रू हो गया था जब थेफ्ट हुआ था, भले वो बंदा ना मिला हो जो जिसने चोरी की हो. इसलिए द केस इज बार्ड बाई लिमिटेशन. और इसमें एक केस रिफर हुआ, जैसे ये आप जरूर अपनी आदत बना लीजिए कि कोई भी केस पढ़िए तो वॉट आर द केसेज विच द करेंट केस रिलाइड अपॉन, किसको ओवर रूल किया और किसको बस डिस्टिंग्विश किया. तो यहाँ पे एक अ कोर्ट वर्सेज क्रॉस हुआ था,
और जिसमें पॉलिसी ऑफ लिमिटेशन एक्ट डिस्कस हुई थी, वही जिससे हमने शुरू किया कि पुराने क्लेम, देर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन और स्टील क्लेम्स को रोकने की बात है। तो दोस्तों ये हमारा पहला केस था ऑन लिमिटेशन लॉ, आरबी पॉलिसी दैट लॉयड्स वर्सेस बटलर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले केस के साथ। टिल देन बाय बाय।